नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश में जाति और धर्म की राजनीति का चलन बहुत पुराना है। इस बार के आम चुनाव में भी ये नजारा यूपी में देखने को मिला, जब खास वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा मुखिया अखिलेश यादव मोदी विरोध में एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन 23 मई को जिस तरह से नतीजे आए, उससे लगता है कि जनता अब जातिगत राजनीति को किनारे करने का मन बना चुकी है। उसे अब काम करने वाली सरकार चाहिए। यूपी में 62 सीटें जीतने के बाद पीएम मोदी ने भी एनडीए की संसदीय दल की बैठक में संविधान की शपथ लेने के बाद नए नारे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का ऐलान कर दिया। यानी इस बार अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतना है और सालों से उनके साथ हो रहे छल में छेद करना है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद मुस्लिम समुदाय का बीजेपी में भरोसा बढ़ने लगा है। तभी तो मुस्लिम समुदाय के 19 बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अल्पसंख्यकों के प्रति उनके नजरिए की सराहना की। खास बात यह है कि मोदी को पत्र लिखने वाले इन 19 लोगों का नेतृत्व करने वाले कमल फारूखी उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं जो मोदी सरकार के 3 तलाक के फैसले का विरोध कर रहा है। इसके अलावा इस समूह में जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव महमूद मदनी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान और प्रोग्रेसिव मुस्लिम सोशल सर्कल जयपुर के अध्यक्ष व पूर्व आईएएस एआर खान, हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष व दिल्ली के पूर्व मुख्य आयुक्त आयकर कैसर शमीन और वर्ल्ड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष व अंजुम इस्लाम मुंबई के सीईओ शबी अहमद और आईआईटीएन व मऊ के मॉडर्न पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष शाहिद अनवर, शिक्षाविद व लेखक कलीमुल हाफिज समेत कुल 19 लोग हैं। पत्र में लिखा है, आपने विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अल्पसंख्यकों की समस्या को बहुत साफ तरीके से इंगित किया है। वास्तव में अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाने और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदलने के आपके सपने को साकार करने के लिए ये दोनों क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तो पीएम मोदी को लिखे पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने आगे लिखा, हम इस विश्वास को साझा करते हैं कि जब तक गरीबों और हाशिए पर रहने वालों को मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा और उनकी पूरी क्षमताओं को महसूस नहीं किया जाएगा, तब तक आपका और प्रत्येक भारतीय देशभक्त का ये महान सपना भुनाया नहीं जाएगा। तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इस बात की भी तारीफ की है कि पीएम मोदी ने 1857 के संग्राम के संघर्ष में सभी समुदायों का साझा प्रयास था। उन्होंने एक स्वतंत्र और मजबूत भारत का सपना देखा और इस अनमोल सपने के लिए अपनी जान दे दी। आपकी ये बात 1857 की भावना को दोहराने के लिए एक आह्वान है।
तो पीएम मोदी को पत्र लिखने वाले सभी 19 लोगों ने विकास के एजेंडे पर पीएम को समुदाय की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। साथ ही माह रमजान में नए कार्यकाल की सफलता की कामना भी की। मोदी और मुस्लिम के मुद्दे पर सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने भी कहा कि मैंने उनकी फिल्म देखी है और उसमें दिखाया गया चरित्र मुस्लिम विरोधी नहीं है। मोदी जी जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि विकास पर आधारित राजनीति करने में विश्वास करते हैं और लोग भी ये समझते हैं और इसलिए देश के करीब 50% मुसलमानों ने उनके लिए मतदान किया। मोदी मुस्लिम विरोधी और दलित विरोधी बिल्कुल नहीं है। तो बता दें कि इस आम चुनाव में बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीती हैं, जबकि सहयोगी दलों समेत 352 सीटें हासिल की हैं। चुनावी पंडितों का अनुमान था कि भारतीय मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी की जीत में अल्पसंख्यकों की भी भागीदारी रही है, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है, हमें विश्वास जीतना है। 1857 का स्वतंत्र संग्राम इस देश की हर कौम, हर जात, हर पंथ कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ करके आजादी का बिगुल बजाया था 1857। आज जब हम आजादी के 75 साल के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं, तब देश की एकता और अखंडता के लिए, भारत के संविधान की शपथ लेने वाले हम सबके लिए दायित्व बनता है कि उस 1857 के स्पिरिट को फिर से एक बार पैदा करें और उस समय 1857 में गुलामी से मुक्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े थे, अब सुराज्य के लिए लड़ना है, गरीबी से मुक्ति के लिए लड़ना है, कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ना है और सबको साथ लेकर के चलना है। कई लंबे अरसे के बाद आमतौर पर हमारे देश में एक मूड बना, भाई चुनाव आया है, वोट देना है, किसी को काम देना है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप नेचर बन गया। अच्छा भाई चलो, ये तुमको 5 साल के लिए दिया, तुम ये करके दो और नहीं दिया चल जा, दूसरा आ जा। ये बाय एंड लार्ज हमने लोकतंत्र का यही हाल करके रखा था। इस बार देश भागीदार बना है, सिर्फ उसने 2014 में हमें बिठाया ऐसा नहीं, 2014 से 19 तक हमें चलाया भी है। 2014 से 19 वो भी हमारे साथ चला है, कभी कभी हमसे दो कदम आगे चला है। 2014 से 19 उसने भागीदारी की, जिम्मेवारियों को कंधे पर उठाया,
वरना देश का एक प्रधानमंत्री नया नया आया हुआ प्रधानमंत्री लाल किले से कह दे कि अरे यार गैस की सब्सिडी छोड़ दो और इस देश के 125 करोड़ परिवार गैस की सब्सिडी छोड़ दे। मतलब सरकार को हम लोगों ने जितना चलाया है, देश को हमने जितना बढ़ाने का प्रयास किया है, उससे ज्यादा 125 करोड़ देशवासियों ने किया है। और उसी का परिणाम है कि यह चुनाव प्रो इनकम्बेंसी, आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी बड़ा नेचुरल होता है क्योंकि राजी नाराजी उसका एक स्वाभाविक होता है। कभी सांसद के प्रति राजी नाराजी होती है, कभी संगठन में राजी नाराजी होती है, कभी वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप को बड़ा दुख होता है, बहुत कुछ होता है और वो एक प्रोफेशनल हैजार्ड भी है। हम कितना भी कोशिश करें लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। लेकिन विश्वास की डोर जब मजबूत होती है तब प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा होता है।